आदर्श की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है, एक बार आप बना के जरूर खाइएगा। और इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार हैं, और पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। मटर पनीर बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले प्याज, 4-5 प्याज चाहिए, 3 हरी मिर्च चाहिए, 1 टुकड़ा अदरक का, और 20-25 कलियाँ ये लहसुन की, 2 टमाटर, इनका हमें अच्छा पेस्ट बना लेना है। आधा किलो मैंने पनीर लिया है, 250 ग्राम मैंने सफल मटर लिए, ये देखिए इस तरह हमें इसको पीस लेना है। अभी मैं हरी मिर्च और टमाटर को कट कर लेती हूँ, ये देखिए इस तरह हमें तो काट लेना है। ये देखिए मैं टमाटर को भी इसी तरह कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं हरे धनिया को भी काट लेती हूँ, इसको बाद में डालती हूँ, सब्जी में डालूंगी मैं बाद में। ये देखिए मैंने सारे मसालों को काट लिया है। ये देखिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च और हरे धनिया को काट रखा है। अब ये पनीर को काटती हूँ। ये देखिए मेरे पास आधा किलो पनीर है, मैं इसको भी काट लेती हूँ। ये देखिए पनीर को मैं बड़ा बड़ा काटती हूँ कुछ इस तरह। ये देखिए मैंने पनीर को काट लिया है, और ये मसाले कुछ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, और 3 तेज़पात, और 4 लौंगे लिए मैंने, और 1 चुटकी हींग लिए। अभी हम गैस को करते हैं ऑन, कढ़ाई को चलाते हैं गैस के ऊपर, अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने सरसों का तेल लगा रखा है कढ़ाई में, तेल हो गया गरम, अभी हम डालते हैं पहले पनीर को। पनीर को पहले फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए एकदम सबके तैयार हो चुके हैं। अभी मैं मटर को डालती हूँ, ये देखिए सारे मसालों में से तेल